आपने डेमोक्रेसी की बैंड बजाने की कोशिश की है, आपने संविधान को खत्म करने की कोशिश की है, आपने गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश की है, आपने सावरकर और गॉडसे जैसे लोगों को गॉड बनाने की कोशिश की है। पिछले 6 सालों में उन्होंने देश की जितनी भी इकोनॉमी है उसको डाउन कर दिया है, देश में GDP ग्रोथ की बैंड बजा दी है। जो जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन लोगों को चुप कराया गया। जो यूनिवर्सिटीज़ JNU और जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ बनते हैं, वो देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उनके साथ वो जो गलत कर सकते थे उन्होंने वो करने की कोशिश की कि वो ज़रूर ये सोच के आए होंगे कि देश को बांट देंगे CA और NRC ला के, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये देश पहले जितना एक नहीं था और भी उतना एक हो गया है। तो हिंदू राष्ट्र बना के वो क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र अगर उन्होंने बनाने की कोशिश की कि उन कौन से हिंदुओं ने जाकर उनको कहा था कि हम यहाँ आना चाहते हैं, हिंदू उन कंट्रीज़ में प्रोसिक्यूटेड है तो कब काम आएगा आपका 56 इंच का सीट? आप बोलिए ना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को कि मेरे कौम के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हैं, आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरे टैक्स के पैसे से स्टैचू नहीं बनने चाहिए, मेरे टैक्स के पैसे से MLA नहीं खरीदे जाने चाहिए। जो आप 300-300 करोड़ खर्च करके आप MLAs खरीदते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से वो नहीं खरीदे जाने चाहिए। अगर आज इस देश की मीडिया सही होती ना तो मोदी जी दोबारा पावर में नहीं आते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वुमेन्स प्रोटेस्ट की कॉल यहां पर दी गई है। मेरे साथ ऋचा शर्मा हैं जो लगातार सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती रही हैं, सड़कों पर उतरती रही हैं। ऋचा आज यहाँ आई हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैसे इसको देखती हैं, क्योंकि लगातार वुमेन्स जो हैं दिख रही हैं सड़कों पर, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने एक्ट जो है वो लागू कर दिया है, कैसे देखती हैं? देखिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ये बिल लागू कर दिया, वो जितने मर्जी बिल लागू कर दें। ये मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ लड़ाई अब CA और NRC तक सीमित नहीं रह गई है, ये लड़ाई है संविधान के लिए, ये लड़ाई है इस देश के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए। जो जो जुल्म ये कर रही है सरकार, जिस तरह से फासिस्ट सरकार बन चुकी है ये, और मैं लिटरली ऐसा फील करती हूँ कि शायद डेमोक्रेसी, हमें अब अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहना ही नहीं चाहिए। ये कंट्री तानाशाह बनती जा रही है और ऑलमोस्ट बनी चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको लाठियाँ पड़ रही हैं, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, चाहे वो इस देश के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इस देश की महिलाएं हों। अगर मैं बात करूं सदफ जाफर की, जिनको सिर्फ इस बात के लिए जेल में डाला गया क्योंकि वो वहां पर वीडियो बना रही थी, और उस 15 दिन तक उनको जेल में रखा गया, उनके साथ क्या नहीं किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ वो जो गलत कर सकते थे वो उन्होंने वो सब गलत किया। मैं बात करूँ उस जो वो एक दंपत्ति थी, जो एक हस्बैंड और वाइफ थे जिनकी छोटी सी बच्ची थी, उनको जेल में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट में आए थे CA और NRC के खिलाफ। तो इस देश में मैं ये समझती हूँ, क्या हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें सरकार को रादर लोगों को पुलिस को भेज के लोगों को मरवाने की बजाय, सरकार को, अगर सरकार अच्छी होती तो वो सरकार आगे आती और आके बात करती कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, वो काम कुछ नहीं करना चाहती। पिछले 6 सालों में उन्होंने देश की जितनी भी इकोनॉमी है उसको डाउन कर दिया है, देश में GDP ग्रोथ की बैंड बजा दी है। जो जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन लोगों को चुप कराया गया। जो यूनिवर्सिटीज़ JNU और जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ बनते हैं, वो देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उनके साथ वो जो गलत कर सकते थे उन्होंने वो करने की कोशिश की। यहाँ CA और NRC CA के बिल को लागू करके वो बेसिकली जो उनकी खामियाँ हैं वो उनको छुपाना चाहते हैं। ये देश बांटना चाहते थे वो इसी इरादे से देश पर हुकूमत करने आए थे और वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए फिर से उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो ज़रूर ये सोच के आए होंगे कि देश वो बांट देंगे CA और NRC ला के, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये देश
पहले जितना एक नहीं था और भी उतना एक हो गया है, क्योंकि इस वक्त सड़कों पे सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस वक्त सड़कों पर हर कौम का इंसान है जो अब मुसलमान के साथ है, जो अब ये समझने लगा है कि हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है एक पुराने इंडिया की, जिसका सपना नेहरू जी ने, जिसका सपना बाबा राव अम्बेडकर जी ने देखा था। हमें ज़रूरत है उस इंडिया की, क्योंकि वो जो इंडिया था ना, वो इंडिया था जो जिसमें हमको जो एक्चुअली जिसमें जितनी भी तरक्की हुई, जितना भी हम आज जो कुछ भी हैं, आज उसी इंडिया की वजह से। और ये इंडिया तभी बन सकता था जब हम सब एक थे, क्योंकि किसी एक कौम से या किसी एक सेट ऑफ पीपल से कभी भी कंट्री नहीं चलती है। आप जितनी भी रिलीजन बेस्ड कंट्रीज देखेंगे, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ क्या हैं? क्या वो कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं? वो कंट्रीज़ ग्रो नहीं कर रही हैं। वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उस कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा चलती ही रहती है। तो हिंदू राष्ट्र बना के वो क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र अगर उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो ये कंट्री जो कंट्री इतनी फ्लरिश थी, जो कंट्री में, हमारी कंट्री में इतना कुछ था, वो सबका सब ख़त्म हो जाएगा। हम इसी एक लड़ाई में लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट होते रहेंगे, इन्वेस्टर्स अपना जितना भी पैसा है वो हमारी कंट्री से उठा लेंगे, MNCs बंद हो जाएंगी, नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बना के करेंगे क्या? आप यहाँ पर बैठ के ढोल बजाएंगे? आप क्या करेंगे? अच्छा, आपने राष्ट्र की बात की, सवाल ये है, जनमन सा सवाल है, आम नागरिक इस पर ज़्यादा गौर देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ऐसा कि मुस्लिम के कई सारे राष्ट्र हैं जहाँ वो जा सकते हैं, अगर हिंदू अगर बाहर का यहाँ आना चाहता है, उनका तो सिर्फ एक ही हिंदुस्तान ही है, वो कहाँ जाएगा? क्या दिक्कत है अगर यहाँ हिंदू को आता है? सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, उन कौन से हिंदुओं ने जाकर उनको कहा था कि हम यहाँ आना चाहते हैं? और हिंदुओं का आना यहाँ पर कब? मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको ये बिल लाने की ज़रूरत है। अगर हिंदू यहाँ आना चाहता है तो वो दे आर ऑलवेज वेलकम यहाँ। हमारे देश में तो कभी सिटीजनशिप की कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। अगर हिंदू आना चाहते हैं तो वो वैसे भी उसके लिए आपको बिल लाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका 56 इंच का चौड़ा सीना है, आप शुरू से हमेशा 56 इंच की छाती की बात करते रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है कि बातें करते रहे हैं। अगर देश का हिंदू उन कंट्रीज़ में परसिक्यूटेड है, तो कब काम आएगा आपका 56 इंच का सीन? आप बोलिए ना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को कि मेरे कौम के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। और अगर उनको प्रॉब्लम है तो दे आर वेलकम यहाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट द थिंग इज, आप उसमें मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मुस्लिम वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर अहमदी हैं, वहाँ पर शिया हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, आपने उनके लिए क्यों बात नहीं करी? बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप ने मुझसे ये पूछा कि वो ये बोलता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके लिए और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जब पार्टीशन हुआ था, इस देश के मुसलमान ने पाकिस्तान नहीं चुना था, इस देश के मुसलमानों ने हिंदुस्तान चुना था, इस मिट्टी को चुना था, तो वो क्यों जाएंगे किसी और इस्लामिक कंट्री में? जो यहाँ के हैं वो यहीं रहेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आप दूसरी कंट्री से और लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आपको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, उनमें आपने धर्म ढूंढ लिया, आप वो क्यों जाएंगे किसी और कंट्री में? किस लिए जाएंगे? वो इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी में ही रहेंगे। हम इस देश के लोगों से आपने कभी पूछने की कोशिश किया कि वो क्या चाहते हैं? आपने कभी क्या मुस्लिम कम्युनिटी से पूछने की कोशिश की है कि वो क्या चाहते हैं? आपने जो एक हमारा संविधान है सेक्युलरिज्म, जिसका एक मेन, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, आपने उसके साथ छेड़छाड़ की है, आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की है। और मैं कहीं ना कहीं सचमुच ये समझती हूँ कि शायद जिस तरह से उनको मुस्लिम से प्रॉब्लम है, उनको दलितों से भी प्रॉब्लम है, तो शायद उनको संविधान में भी इस बात से ये प्रॉब्लम होगी कि संविधान लिखा किसने है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप सचमुच बहुत अच्छे थे तो आप मुद्दों पे काम करते। यहाँ इस देश में बहुत मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है रेप, आए दिन रेप हो रहा है। प्रियंका रेड्डी के बाद वो रेप रुक नहीं गया था। आपने उस चीज़ को भी दबाने के लिए, जब प्रियंका रेड्डी वाले प्रोटेस्ट को दबाने के लिए आपने वहाँ पर एनकाउंटर कराया, आज तक हमें ये भी नहीं मालूम कि वो एक्चुअली असली कल्प्रिट्स थे या नहीं थे। आपने कानून बनाया, आप रातों रात 370 कानून बनाते हैं, आप रातों रात डिमोनेटाइजेशन करते हैं, आप रातों रात CA NRC जैसी चीज़ें लेकर आते हैं। आपने कभी रेप के ऊपर कानून बनाने का सोचा? टिल डेट
आपने कभी उसके लिए कोई ट्वीट किया? आप जानते हैं कि रेप और मर्डर और क्राइम कितना रेप कितना घिनौना अपराध है, कभी आपने उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश की? नहीं, मुद्दे बहुत हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के, आपने कहा कि बहुत सारे काम है जो उन्हें करने चाहिए, ये वो काम वो करें जो उनके मैनिफेस्टो में थे, जिनको लेकर उन्हें वोट मिला, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो बाकी ये काम हो, सब उन्होंने वही, चाहे तीन तलाक का हो, उनके मैनिफेस्टो में था, वही काम उन्होंने किए हैं। और एनआरसी का मुद्दा भी इसी में शामिल था। गलत क्या? मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता कि मैनिफेस्टो में सब कुछ ठीक है। मैं वही आपको वही उसी चीज़ के ऊपर आ रही थी कि मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर किसी को वोट करते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है बात सोच के, क्योंकि धर्म एक चॉइस होती है। हर धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से धर्म एक देश के लोगों की एकता अखंडता के बीच में नहीं आना चाहिए। आपको पूरा हक है कि आप अपने धर्म का पालन करो, लेकिन आपका ये हक नहीं है कि आप किसी और के धर्म के ऊपर उंगली उठाओ। आपका ये हक नहीं है कि आप उसे ये कहो कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन छोड़ के आप दूसरी जगह जाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये देश धर्म निरपेक्ष था, और अगर आप इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हैं। आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप कर क्या रहे हैं इस देश के साथ? जो जो आवाज़ उठाते हैं आप उसको बंद कर रहे हैं आवाज़ को। आपने इस देश में आने से पहले, सबसे पहले आपने मीडिया को खरीदा, आपने इलेक्शन कमीशन को खरीदा, आपने पुलिस को खरीदा, आपने क्या नहीं खरीदा यहाँ पर आके? आपने जिस पैसे, आप मुझे लोग बोलते हैं ये बात कि हमारे टैक्स का पैसा है, वो हम अपने टैक्स का पैसा JNU की फीस के लिए क्यों दें? तो मैं ये समझती हूँ जो लोग इस तरह की घटिया बातें करते हैं कि टैक्स का पैसा, टैक्स तो मैं भी पे करती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स कि आप मेरे टैक्स के पैसे से JNU के बच्चों की फीस भरी जाए। मुझे प्रॉब्लम होगी मेरे टैक्स के पैसे से स्टैचू नहीं बनने चाहिए जिसका 3,000 करोड़ का आप स्टैचू बना रहे हैं। मेरे टैक्स के पैसे से वो नहीं बनना चाहिए। मेरे टैक्स के पैसे से MLA नहीं खरीदे जाने चाहिए। जो आप 300-300 करोड़ खर्च करके आप MLAs खरीदते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से वो नहीं खरीदे जाने चाहिए। मेरे टैक्स के पैसे से आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हर जगह पे मोदी मोदी मोदी, किस बात के आप होर्डिंग्स लगाते हैं? आपको तो पूरा का पूरा बहुमत मिला है, आप क्या अपना काम गिनाते रहते हैं? आप क्या होर्डिंग्स लगाते हैं? आप किसको दिखा रहे हैं आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया? अगर आपने काम किया है वो दिखेगा, आपको होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बड़ी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग एक JNU के लिए ये बात बोल देते हैं। कि आपने बात की और JNU में अभी-अभी जो घटना हुई है उसको लेकर, और पुलिस ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया कि कौन लोग कंप्लीट थे, उसमें नाम लेकर बकायदा बताया, उसके बाद फिर सरकार के जो मंत्री हैं उनके ट्विटर पे उनके कमेंट्स आने शुरू होते हैं, उससे पहले उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता। तो इस पूरी घटना को आप कैसे देखती है, क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो कुछ भी था, दिस वॉज प्लान्ड। वहाँ पर ये प्लान था ABVP वालों का। ABVP को कौन चलाता है? ABVP के सरगना कौन है? BJP, RSS। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बाहर पुलिस, JNU में हज़ारों बार मैं JNU गई हूँ, मेरे को JNU में एंट्री नहीं मिलती है जब तक मैं JNU के किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं बुलाती हूँ अपनी एंट्री के लिए। तो वहाँ पर इतने सारे लोग कैसे, नकाबपोश कैसे लोग घुस सकते हैं JNU में? पुलिस के रहते हुए, गार्ड्स के रहते हुए वहाँ पर कैसे घुस सकते हैं? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज, ये JNU की फी हाइक, वो ये मुद्दा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि 40% JNU के जो बच्चे हैं वो एक किसानों और मजदूरों के घर से आते हैं, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते JNU में। शायद इसीलिए JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से इंटेलेक्ट निकलते हैं, जहाँ से वो लोग निकलते हैं जो एक्चुअली पढ़ाई करते हैं, जिनको लिटरेचर की नॉलेज होती है, जिन्हें संविधान की नॉलेज होती है, जिनको हिस्ट्री की नॉलेज होती है। इसीलिए सरकार को हमेशा JNU से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उनको मालूम है JNU के बच्चे आवाज़ उठाना जानते हैं, JNU के बच्चे सही को सही, गलत को गलत कहना जानते हैं। सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है हमेशा JNU से, इसीलिए वो हमेशा JNU को टारगेट करते रहे हैं। JNU से दिक्कत नहीं है, हमें जो देश के टुकड़े करना चाहता है उस गैंग से दिक्कत है, उस गैंग को वो निकाल के। सर, देश के टुकड़े तो मोदी जी, अमित शाह जी ने करने की कोशिश की है, मुसलमान और हिंदुओं को भड़का के। देश के टुकड़े तो आपने उसी दिन कर दिए थे जब आपने बाबरी मस्जिद पे आपने हमला बोला।
देश का टुकड़ा तो उसी दिन हो गया था जब वहाँ पर आप इतने सारे हिंदुओं को लेके गए बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, आपने वहाँ पर दंगे करवाए और कितने सारे लोग मरे, चाहे उसमें हिंदू थे चाहे मुसलमान। एक मस्जिद और एक मंदिर के लिए क्यों मरने चाहिए आम लोग, आप मुझे बताइए। कितने कितने दंगे हुए थे, 2002 का गोधरा कांड हुआ, उसके बाद 2002 का कांड हुआ, किस वजह से हुआ? सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद के पीछे। क्या होता है मंदिर और मस्जिद, आप मुझे बताइए। भगवान और अल्लाह दिल में होता है, भगवान और अल्लाह हमें घर देता है, हम कौन होते हैं उनको घर देने वाले, और हम कौन होते हैं उनके बंदों को मार के उनको घर देने वाले, आप मुझे बताइए। टुकड़े टुकड़े किसने किए देश के, टुकड़े टुकड़े तो अमित शाह और मोदी जैसे लोगों ने देश के किए हैं। आप उन्हें बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, किस बात के लिए बोलते हैं आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो भी गवर्नमेंट, देखिए जेएनयू का, जेएनयू की हिस्ट्री रही है, जब पहले भी जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने तब भी उनको जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उस तब भी आवाज़ उठाई। इंदिरा गांधी जी, मुझे याद है जितना मैंने पढ़ा है, इंदिरा गांधी जी उनसे बात करने के लिए गई थी और उनको वहाँ पर एंटर नहीं करने दिया गया था। तो जेएनयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है और वहाँ के बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ना तो कोई पार्टी मैटर करती है, पॉलिटिकल पार्टी मैटर करती है, ना ही उनके लिए कोई धर्म मैटर करता है, ना ही जाति मैटर करती है। वहाँ के बच्चे एक हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी सब बच्चे मिलके पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत से पढ़ते हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम ये है कि अरे हम जेएनयू में कैसे नहीं पहुँचे, हमने जेएनयू के लोगों को हम क्यों नहीं भड़का पाए, हमने जेएनयू को कैसे नहीं तोड़ा, उनको प्रॉब्लम इस बात की है। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए, वो ये कहते हैं कि लेफ्ट के लोगों ने गलत किया और इसलिए ये सारा का सारा हुआ। चलो मान लिया लेफ्ट के लोगों ने गलत किया, एक लड़की के सर पे डंडा पड़ता है, उसके सर से खून निकलता है, लेकिन और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन जेएनयू का वीसी उसको देखने के लिए तक नहीं जाता है। आप मुझे बताइए उसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो गलत भी है तो वो क्या इंसान नहीं है? आप इस देश में, आप देखिए मैं एग्जाम्पल लूँगी चंद्रशेखर आज़ाद का, वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेडिकल एड की उनको ज़रूरत है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ, उन्होंने उनको मेडिकल एड नहीं दी है। क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या गुनाह किया था आप मुझे बताइए चंद्रशेखर आज़ाद ने कि उन्होंने प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया? एक प्रोटेस्ट की क्या इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? और देखिए मैं फिर से ये बात बोलूँगी, ये जो हमले हो रहे हैं ना जामिया पे, ये जो हमले हो रहे हैं जेएनयू पे, हम लोगों को उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज वो जामिया में घुसे हैं, वो जेएनयू में घुसे, कल वो हमारे घरों में घुसेंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल वोकल होकर बोल रही, बहुत से लोग हैं जो वोकल होकर बोलते हैं, कल वो हमारे घरों में घुसेंगे, हमारे घरों के बाद वो और लोगों के घरों में घुसेंगे। आप प्लीज़ ये समझने की कोशिश करिए, ये जो कल्चर है, ये कल्चर ख़राब करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक आप हिंदू मुसलमान की एकता को तो आपने ख़राब करने की कोशिश की ही है, आपने डेमोक्रेसी की बैंड बजाने की कोशिश की है, आपने संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की है, आपने गांधी के विचारों को ख़त्म करने की कोशिश की है, आपने सावरकर और गॉडसे जैसे लोगों को गॉड बनाने की कोशिश की है। अच्छा ऋचा, अभी दीपिका जब जेएनयू गई थी तो स्मृति ईरानी का भी चाहता है और वो कहती है कि दीपिका उन लोगों के साथ खड़ी थी जो देश के शहीद की वर्षी पर खुशियां मनाते हैं, शहीदी पर खुशियां मनाते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई जो लोग जहां दीपिका गई थी उनका जाना बिल्कुल गलत था? सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये स्मृति ईरानी कौन है? ये स्मृति ईरानी का नाम हमेशा हम तभी क्यों सुनते हैं जब कोई इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है? ये स्मृति ईरानी जी तब क्यों प्रकट नहीं होती देवी बनकर जब देश में किसी लड़की का रेप होता है? ये स्मृति ईरानी जी तब प्रकट क्यों नहीं होती जब सेंगर और चिन्मय आनंद जैसे लोग लड़कियों का रेप करते हैं? तब वो कहाँ जाती हैं? तब वो किसी क्या उनको धरती में समा जाती हैं वो, या वो क्या हो जाती, कहाँ गुम हो जाती हैं? वो तभी हमेशा क्यों बाहर निकलती हैं जब उनको राहुल गांधी को फ्रेम करना होता है, उनको जब दीपिका चली गई जेएनयू में? अरे मैं ये बीजेपी की किसी एमएलए ने ऐसा बोला कि ये जो एक्ट्रेस है इनका काम डांस करने का है, इनको बोलिए बॉलीवुड में नाच करे और ये जेएनयू जैसे उस पर ना करे। तो मैं ये कहती हूँ मोदी जी का काम देश संभालने का है, वो सेलिब्रिटीज़ के यहाँ का क्यों जाते हैं, उनको अपने घर पे डिनर के लिए क्यों बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ क्यों खिंचवाते हैं? अपना दिमाग लगाइए देश को संभालने में, अपना दिमाग आप अपना इन चीज़ों में मत लगाइए। और दूसरी चीज़ वो जो ये बोल रही है स्मृति ईरानी जी कि जेएनयू में
वो वहाँ जाके ये बोल रही है कि वो चली गई दीपिका वहाँ पर, तो वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जिन्होंने ये दिवस मनाया वो दिवस मनाया उन्होंने शहीदों के लिए। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ सबसे पहले कि JNU एक ऐसी संस्था है जहाँ से शहीदों वाले विचार रखने वाले लोग निकलते हैं, जहाँ से देशभक्ति वाले लोग जिनके विचार होते हैं वो लोग निकलते हैं, असली देशभक्त JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जो बिना किसी डर के, जो जिनके अंदर इतनी कारेज होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके, जो अपनी जो सही को सही बोल सके, गलत को गलत बोल सके। और यही रीज़न है कि JNU और जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ पे हमला कराया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे विचारों पर हमला करना चाहते हैं, वो हमारी सोच पे हमला करना चाहते हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं, वो हमारी नस को पकड़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम सारी की सारी ये है। और अमित शाह और मोदी जी जैसे लोग ऐसे हैं जो या तो ये सोचते हैं कि पैसों से खरीद लो, जैसे उन्होंने मीडिया खरीदा, जैसे उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन खरीदा, जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ें खरीदी, और जब पैसे से कोई नहीं खरीदा जाता तो वो क्या करते हैं, वो पावर यूज़ करते हैं, तब वो लोगों को मरवाते हैं, जैसे जज लोया जी के साथ हुआ, जैसे गौरी लंकेश के साथ हुआ। और अब जब मास निकल के आ गया है, जब पूरे लोग निकल कर आ चुके हैं, ऑब्वियसली वो पूरे की एक आदमी को तो मार सकते हैं, पूरे की पूरे मास को नहीं मार सकते, तो वो पुलिस के हाथों पहले अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है, पुलिस उनके अंडर दी जाती है, और उसके बाद पुलिस को उनके पीछे लगवाया जाता है। और मैं समझती हूँ कि चलिए पुलिस की नौकरी है, क्या करें, उनको करना है, लेकिन क्या कभी पुलिस ने भी ये सोचने की कोशिश की है कि उनके घर में भी बच्चे हैं? कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी है कि जब उनके बच्चे बड़े होकर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे वो अपने बच्चों को कि हमने तुम्हारे जैसे बच्चों को ही डंडे मारे थे जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, या जब वो नमाज कर रहे थे, या हमने तुम्हारे जैसे बच्चों के सरों पे डंडे पड़वाए थे जब कोई दूसरा उनके सर पे डंडा मार रहा था, तो हम यहाँ ऐसे हाथ में हाथ खड़े रह के देख रहे थे उनको। तो मैं तो सीरियसली ये समझती हूँ कि अभी ये जो प्रोटेस्ट है, हमें सिर्फ इसको CA NRC तक नहीं रखना चाहिए, अब ऐसा सा टाइम आ गया है कि हमें जो ये तानाशाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को, अब हमें इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमें इस ये जो गंदी सोच इन्होंने लोगों के अंदर भरने की कोशिश की है, जो जहर इन्होंने भरने की कोशिश की है, हमें उसको दूर करना है। अगर आप, मैं जब घर पे बैठती हूँ, मैं वैसे तो कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स में ही विश्वास रखती हूँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। बट बाई चांस अगर घर पे तुम बैठे हो, तुम खाना खा रहे हो और न्यूज़ चैनल लग जाता है, मेरा खून खौल जाता है। वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, जिस प्रोटेस्ट से मैं अभी अभी गई हूँ और मैंने देखा वो प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, मैं जब घर आती हूँ, घर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो उसी प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट तो दंगों से भरा हुआ है, इस प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, वो लोगों को वो पुलिस पे पुलिस को मार रहे हैं, वो ये तोड़ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो गाड़ियाँ जला रहे हैं। हम ग्राउंड पर हैं, हमें मालूम है कि प्रोटेस्ट में होता क्या है, हमको मालूम है, हम उसी प्रोटेस्ट से होकर जाते हैं। बट अगर आज इस देश की मीडिया सही होती ना, तो मोदी जी दोबारा पावर में नहीं आते, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ।